हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल साक्षरंग लाइफ में। और जी, बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ। टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का। वीडियोस मैं बना रही थी बट हाँ, 2 दिन से तो वीडियोज़ भी नहीं बनाए क्योंकि वीडियोज़ ऑलरेडी रखे हैं, वही मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट आज से मैंने सोचा है कि वापस, हर बार सोचती हूँ बट कुछ ना कुछ काम इतने लगे रहते हैं ना कि मैं नहीं मतलब उसको कंटिन्यू कर पाती हूँ। और कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है तो आवाज़ें आती रहती हैं। और कुछ शाम को मेरे पास काम होते हैं बट उसमें दिखाऊँ क्या, डेली डेली तो खाना भी नहीं दिखा सकती। और अभी मैं अभी अभी नहा धो के फ्री हुई हूँ, पूजा पूजा करी है वो सब करके मैं फ्री हुई हूँ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ करेले की सब्जी, जो कि मैं रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अलग से, मतलब ब्लॉग में शेयर नहीं करूँगी। ठीक है, ब्लॉग में बता दे रही हूँ आप लोगों को, बाकी ब्लॉग में शेयर नहीं करूँगी, अलग से रेसिपी डालूंगी ताकि अलग से जिसको देखना हो वो देखे, जिसको नहीं देखना हो वो नहीं देखेगा। इसलिए तो वो आप अगर करेले पसंद करते हैं, और जो लोग करेले नहीं भी खाते हैं ना वो लोग भी खा लेंगे, क्योंकि ना ऐसा होता है, क्योंकि मैं जिस तरह से बनाती हूँ उस तरह से करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। और जो है अभी बनाने जा रही हूँ, रात में मैंने छील के रख दी थी क्योंकि सुबह सुबह ना इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम छील पाए, इसलिए अभी अभी नहा के आई हूँ तो बस। और बाहर का मौसम आज थोड़ी सी अभी गर्मी हो रही है, दिन भर में बारिश आ जाएगी क्योंकि 2 दिन से तो लगातार 3 दिन से लगातार बारिश आ रही है और मौसम बहुत ही ठंडा हो जाता है। एसी वेसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी फ़ैन भी ऑफ कर रखा है मैंने आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि आप लोगों से बात स्टार्टिंग हो जाए ना तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है। और जो है गेट बंद कर देती हूँ। अभी अभी नहा के चुकी हूँ मैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट ही हो गए क्योंकि उसके बाद मैंने पूजा करी है ना, इसलिए। तो चलते हैं फिर किचन में, दिखाती हूँ आप लोगों को, दिखाती हूँ कि हमने करेले, ये हमने करेले रात में छील के कट करके नमक लगा के रख दिए हैं, अब हम इसको बनाएंगे। तो अगर आपको रेसिपी देखनी है तो आप अलग से मैं डाल दूँगी, बिल्कुल वॉच कीजिएगा और एक बार बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा इस तरह से। मैं भरवा भी बनाती हूँ लेकिन बस वही है ना कि करेले वाले बड़े बड़े थे तो इसलिए मैंने भरवा नहीं बनाया, मैंने कहा काट के बना लेती हूँ, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं और दाल चावल के साथ में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ ही में पराठे के साथ आप जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार बना के, और अगर बनाते हैं तो आपको पता ही होगा। चलिए फिर मैं अपनी रेसिपी शूट करती हूँ और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तब तक आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, जब तक मैं अपनी रेसिपी बना रही हूँ तब तक आप लोगों को दिखा देती हूँ रांची का बहुत ही फेमस मंदिर, जो कि अभी बना है, न्यू बना है। तो बस हम लोग वहाँ गए थे एक दिन पहले, तो बस मैंने यहाँ से कुछ क्लिप्स ले ली थी ताकि मैं दर्शन करूँ और आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लें। देखिए मैं यहाँ हूँ, मैं दर्शन कर सकती हूँ, और आपको इस मंदिर की खासियत भी मैं आगे बताऊँगी, पूरी वीडियो में बने रहिएगा और दिखाऊँगी आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। और जो है मतलब यही था मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, इसलिए बाकी मंदिर में जाने की क्या वीडियो बनाऊँ, लेकिन वही है ना कि आप लोगों के साथ शेयर हर चीज़ करने का मन करता है। कुछ काम के चलते मैं नहीं कर पाती हूँ बट मेरा मन हर चीज़ करने का करता है। और इस मंदिर का नाम है सुरेश्वर महादेव मंदिर, जो कि चोटी वाले मंदिर के नाम से भी बहुत फेमस है रांची के अंदर। जो लोग रांची में रहते होंगे उनको पता होगा, ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बने हुए, और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट शिवलिंग वाला मंदिर है, जो इसमें शिवलिंग बना हुआ है ऊपर, आप देख सकते होंगे, आपने देखा होगा, वो सबसे सेकंड लार्जेस्ट हाई वाली जो है वो शिवलिंग बनी हुई है यहाँ पे। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ शायद। तक हम लोग दर्शन करने आए थे, अर्ली मॉर्निंग आए थे, मतलब जो वीडियो आज आगे आप लोगों ने क्लिप देखी है ना उसके एक मतलब 1 डे पहले ही हम लोग गए थे, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए ताकि आप लोगों को भी मैं दिखा सकूँ। और ये देखिए यहाँ हम लोग बस पूजा करेंगे और बस फिर थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, क्योंकि आजकल मतलब फ़ोटोज़ के बिना तो ऐसा लगता है कि कहीं जाना ही इनकम्प्लीट रहा। पहले अगर जैसे मार्केट वगैरह जाते थे है ना, तो गोलगप्पे खाए बिना अगर आ गए घर पे, जब हम लोग छोटे थे तो गोलगप्पे खाए बिना हम लोग घर पे नहीं आते थे। गोलगप्पे तो ज़रूर खाने, और कुछ और खिलाओ या नहीं खिलाओ लेकिन गोलगप्पे ज़रूर खाने। ऐसे ही अब वो हो गया है कि कुछ खाओ या मत खाओ, फ़ोटो ज़रूर ले लो,
फोटो का ट्रेंड इतना हो गया है ना कि फोटो जरूर चाहिए इंसान को, कहीं पर भी जाए, XYZ कहीं पर भी जाए फोटो जरूर लेता है। और सही भी है, यादें रह जाती हैं, है ना, क्योंकि बार बार तो हम नहीं जा सकते कहीं पे, लेकिन यादें जरूर अपन कैप्चर कर लेते हैं। और अगर जो लोग वीडियोस बनाते हैं तो उन लोगों के पास तो और भी ज़्यादा यादें हो जाती हैं। बस इसी वजह से यहाँ हम लोग सब लोग आए हुए हैं। ये पास में मामी जी रहते हैं, मामा जी रहते हैं, उनकी बेटी है, और मैं और मेरे हस्बैंड, हम पांचों लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। पहले वो हस्बैंड वीडियो बना रहे थे तो मैं पूजा कर रही थी, फिर मैंने वीडियो बनाई तो हस्बैंड ने पूजा कर ली, बाकी सब भी कर रहे हैं साथ साथ, और भी लोग थे। अच्छा मंदिर था और यही था, जा सकते हो आप लोग भी दर्शन करने, और ज़रूर जाइएगा, मैं तो यही कहूँगी। एक बार और भी जगह जाऊँगी, जब जब जैसे जैसे जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि वीडियो में अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो प्लीज़ कशु नाम तो बता दो। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कशु है, मैं साची भाभी की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड बन गई हूँ। बेस्ट फ्रेंड, नंद, सब कुछ बन गई हूँ, सिस्टर, सब कुछ है ना। यस, क्या वो मामी जी थक गई, बैठे बैठना चाहिए, बैठ के। हेलो बोल। हाँ, मैं मामी जी वगैरह से बोल रही थी, आप हेलो बोल, तो उन लोगों को थोड़ी सी शर्म आ रही थी। तो बस इसी के साथ हम वीडियो का यहीं एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, पता नहीं कहाँ की, घर की भी हो सकती है और रेसिपी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। चलिए लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।